जय श्री राम सबको प्रणाम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मोतियाबिंद को समझने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो तो हम लोग समझेंगे मोतियाबिंद को आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपका उम्र उस लायक नहीं हुआ है जिस लायक में मोतियाबिंद होता है ठीक तो आप घबराइए नहीं इन्हें कि मोतियाबिंद समझ के आप वीडियो को ही पॉज कर दें चलिए समझते हैं ध्यान दीजिएगा कि मोतियाबिंद होता क्या है तो सबसे पहले बता दे बाबू कि नेत्र लेंस आप लोग को पता है नेत्र लेंस आँख के बारे में बात हो रहा है उसमें लेंस लगा हुआ रहता पता है ना आपको मैं है चेक कर लीजिए चलिए होगा तभी तो आप वीडियो को देख पा रहे हैं नेत्र लेंस में अपारदर्शी झिल्ली अब अपारदर्शी मतलब कुछ होता है तो जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसको अपरदर्शी कहते हैं, ठीक है जी झिल्ली अपरदर्शी झिल्ली याद रखिएगा निर्माण हो जाता है मतलब उत्पन्न हो जाता है? यानी कि लेंस में अपरदर्शी झिल्ली उत्पन्न हो जाता है निर्माण हो जाता है उसका बिना बोलाइले मेहमान उल लाता है ठीक है जी चलिए जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है अब जब प्रकाश के अब नहीं होगा तो तुम दूसरा वस्तु को कैसे देखेगा देख सकता है देख सकता है बाबू देख सकता है बाबू लेकिन कम देख सकता है ऐसा बात नहीं है कि मोतियाबिंद हो जाता है तो एकदम सूझवे नहीं करता जी नहीं हुजूर, आप गलत सोच रहे हैं बात यह है बाबू कि मोतियाबिंद होता है ना तो कम सुझता है लेकिन सूझता है ऐसा बात नहीं है लेकिन कोई कोई को एकदम नहीं सूझता है Fields, ये भी बात है तो इसका उपचार की अगर बात किया जाए ना कि इसका उपचार कुछ होता है जैसे ध्यान दीजिएगा यह है आँख ठीक है चलिए बढ़िया आंख पारते हैं ना चलिए यह है बाबू आंख किसी का आंख है ठीक है चलिए देखिए कुछ होता है लेंस में ऊपर एक परत जम जाता है जो कि कैसा परत रहता है अपारदर्शिक झिल्ली प्रकाश आवेगा ऐसे अपवर्तन ही नहीं होगा लेंसों से अपवर्तन ही नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा ता किसी तो किसी वस्तु को देख पावेगा देखेगा लेकिन बहुत कम बहुत कम देखेगा अगर इसका उपचार के बात किया जाए तो कोई ड्रोप उप काम नहीं करेगा कोई चश्मा वगैरह काम नहीं करेगा डायरेक्ट कहूची इसको हटावो दूसरा लगावो मतलब कि दूसरा लेंस लगेगा ठीक है जी समझ गए होंगे चलिए तो इसका उपचार में कोची करना होगा ऑपरेशन ठीक है ऑपरेशन करना होगा इसका यही एक इलाज है तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में तो आया होगा ठीक ना तो समझ में आया है बाबू तो थोड़ा सा सपोर्ट भी किया करो ठीक ना आप लोग वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं कमेंट नहीं करते हैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरा आप मेरा मदद कीजिए आप मेरा मदद कीजिएगा तब ना हम आपका मदद करेंगे हैं जैसे कि बाबू रिश्तेदार में रिश्तेदार को अगर खून कम गया है तो आप रिश्तेदार को खून दीजिएगा तभी तो आपको खून देगा हैं समझ रहे बात को तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग मदद कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले ठीक ना अपने आप में फीलिंग जागे कि नहीं मेरा कोई है जो मेरा मदद कर रहा है इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंद मातरम